हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम को रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जीरो इज व्हाट टाइप ऑफ नंबर, जीरो किस तरह का नंबर है। तो कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, होल नंबर, प्राइम, रियल, बोथ ए एंड बी या बोथ ए एंड सी। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है कि होल नंबर पहले देख लेते हैं हम लोग, होल नंबर कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। तो होल नंबर जो होता है वो जीरो से वन टू थ्री ऐसे मतलब सीक्वेंस चलता रहता है, जहां तक भी जा सकते हैं हम लोग, जीरो से लेके 100 तक मान लीजिए, तो वो सारा जो है होल नंबर में आ गया। अब थोड़ा रियल नंबर का भी देख ले, रियल नंबर में कौन कौन आता है, रियल नंबर तो नेगेटिव वाला मार्क्स भी नंबर भी आते हैं ना, और जीरो भी आता है, वन टू थ्री डॉट 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 डॉट, और इसके साथ साथ जो डेसिमल वाला नंबर रहता है वो भी रियल नंबर में हम लोग के आ जाता है। जैसे कि ये रहा, मैंने दो टू दे दिया है, प्लस वाला डेसिमल नंबर +2.3 एंड -4.8, तो दोनों का दोनों जो है रियल नंबर में आता ही है, और डॉट डॉट इसलिए दिया गया है कि ऐसा सीक्वेंस चलता ही रहे। तो प्राइम नंबर जो है उसमें जो है किसी तरह का जीरो नहीं आता है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 1, 3, 2 भी यहाँ पे है, और 5, 7, 11। अच्छा, प्राइम नंबर हम लोग किस तरह से डिसाइड करते हैं कि ये कोई नंबर जो है वो प्राइम नंबर है, वो सारा नंबर जो खुद से कट जाए या डिविजिबल हो जाए और साथ ही साथ सिर्फ 1 उसको डिवाइड कर सके, तो वो होता है हम लोग का प्राइम नंबर, ठीक है। और 1 जो है दोस्तों वो हम लोग का ऑड नंबर है, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7, 11 चलते जा रहा है, 13, 17, 19, ये जो है सीक्वेंस, वो सारा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और या खुद से डिवाइड हो, ऐसा नंबर को प्राइम नंबर ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो नो जीरोस आर देयर, कोई भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, होल नंबर एंड रियल नंबर, यानी कि ए एंड सी। तो हम लोग का लास्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन ई इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है -4 इज व्हाट टाइप ऑफ नंबर, -4 यानी कि नेगेटिव नंबर किस तरह का नंबर है। तो रियल नंबर, इंटीजर, होल नंबर या बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ दिस, ये सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रियल नंबर में क्या क्या आता है। तो रियल नंबर में कौन कौन सा आता है हम लोग जानते ही हैं, नेगेटिव भी आ सकता है रियल नंबर में, जीरो भी आ जाते हैं, और साथ ही साथ अगर देख ले चले तो हम लोग का जो डेसिमल वाला नंबर आता है वो भी इसमें आ जाता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस चलता रहता है। अब थोड़ा सा इंटीजर को भी देख लेते हैं, इंटीजर में कौन कौन आता है, इंटीजर में देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ये तीन तरह का नंबर जो है इंटीजर में आते हैं। अब अगर होल नंबर को देखें, हम पहले ही भी बता दिए हैं कि होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आता है, ठीक है। और ये सीक्वेंस चल रहा है, जितना दूर हम लोग पॉजिटिव तक जा सकते हैं, ठीक है। जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पर होल नंबर जो है कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव नंबर कंटेन नहीं कर रहा है, तो हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये इन दोनों में से ही होगा, यानी कि रियल एंड इंटीजर इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। कैसे फाइंड आउट किया, रियल एंड इंटीजर में जो है नेगेटिव नंबर आ सकता है, तो ये -4 जो है ये दोनों टाइप का नंबर हो सकता है, बोथ 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होल नंबर, इन सब में से कौन सा है जो होल नंबर है। तो होल नंबर का सीक्वेंस तो हम लोग को पता ही है, कौन कौन सा होता है होल नंबर, होल नंबर आर 0 प्लस 1, 2, 3, 4, यानी कि पॉजिटिव में ही चलता रहे, ठीक है। तो इन सब में से समझ में ही आ रहा है कि ऑप्शन 1 में ही सिर्फ पॉजिटिव है, और ये देखो फ्रैक्शन नेगेटिव ये नहीं होगा, डेसिमल ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो होल नंबर ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, विच वन इज ट्रू, यानी कि इसमें से कौन सा ट्रू है। तो पहले पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में है, ऑल होल नंबर कैन बी नेचुरल नंबर बट नॉट वाइस वर्सा, मतलब जितना सारा होल नंबर वो नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन इसका ऑपोजिट मतलब नेचुरल नंबर फिर से होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, ये बोला गया है। बी में है, ऑल नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर बट नॉट वाइस वर्सा, इसमें भी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है लेकिन वाइस वर्सा नहीं हो सकता है। और जीरो इज अ प्राइम नंबर, क्या जीरो एक प्राइम नंबर है, ये भी है। और ऑप्शन डी में पूछ रहा है हम लोग का, 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर,
फोर जो है एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो क्वेश्चन यही है कि इन सब में से कौन सा ट्रू है, ठीक है, कौन सा है जो एग्जिस्ट करता है वाकई, ठीक है। तो सबसे पहले होल नंबर को देखते हैं। होल नंबर तो पता ही हम लोगों को क्या होता है, नेचुरल नंबर प्लस जीरो, है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर भी देख लेते हैं, वन थ्री फाइव सेवन इलेवन, ठीक है। तो मतलब प्राइम नंबर भी हम लोग का जीरो कंटेन नहीं करता है, एक हिसाब से ये हुआ। पहले देख लेते हैं, ठीक है, सब तरह का नंबर को हम लोग सिक्वेंस बना बना कर देख लेते हैं, उसके बाद चेक किया जाएगा कि कौन सा वाइस वर्सा है या नहीं है। फोर कैन बी डिवाइडेड बाई वन टू फोर, ठीक है। सो इट कैन बी ए कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। देखिए, ऑल होल नंबर कैन बी नेचुरल नंबर बट नॉट वाइस वर्सा, मतलब जितना सा होल नंबर वो नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका उल्टा नहीं होगा। क्या ये कथन सही है? तो ऑप्शन जो थ्री है हम लोग का, यानी कि ऑप्शन ये दिस वन, ठीक है, बी एंड डी, ये जो हम लोग का करेक्ट है, यानी कि हम लोग का जो मैथमेटिक्स का थ्योरी है उसमें ये वाला पॉसिबल हो सकता है और ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ये दोनों चीज जो है बी एंड डी जो है पॉसिबल हो सकता है, यानी कि बी एंड डी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइम नंबर का लिस्ट निकालते हैं, यहाँ पर कौन कौन सा होता है, टू थ्री फाइव सेवन। अच्छा, इतना में ही देखते हैं हम लोग को, इतना में ही कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो ऑड बोल रहा है, प्राइम भी बोल रहा है, तब जो है नंबर, यानी कि ऑड प्राइम नंबर। तो सबसे पहले टू को देखते हैं, टू देखो सबसे पहले ऑड नहीं है, वो इवन है, ठीक है। और थ्री आ गया हम लोग का ऑड, तो ये तो हो गया फर्स्ट। इसमें क्या पूछ रहा है, सेकंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो यानी कि फाइव होगा, फाइव जो है सेकंड है, प्लस ये जो है ऑड भी है, ठीक है, और ये प्राइम नंबर भी है। तो हम लोग का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फाइव, यानी कि ऑप्शन नंबर टू जिसका फाइव है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर, ऑप्शन यहाँ पे कुछ है। तो को प्राइम नंबर मतलब हम पहले बता दें कि वो नंबर, वो पॉजिटिव इंटीजर जो इन सभी में से जोड़ा को जो है डिवाइड करे पूरी तरह से, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर में तो सिर्फ वन ही है, ठीक है, जो डिवाइड कर सकता है इन सबको नहीं, इन सब में से किसी एक को, ठीक है। तो ऑप्शन टू में अगर हम देखें तो इसका तो जो को प्राइम नंबर है वो तो प्राइम में नहीं आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन वन का जो है वन होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन वन यानी कि 4.5 को अगर हम लोग किसी से डिविजिबल करवाए तो उसका आंसर होगा वन, ठीक है। इन दोनों को जो है वन पूरी तरह से डिवाइड करेगा, तो ऑप्शन वन इज आवर करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन इज विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजाइट, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, ठीक है, मतलब इन सब में से कौन सा ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजाइट है। क्वेश्चन क्लियर है, अब देखते हैं थोड़ा सा। प्राइम नंबर, ठीक है, तो इन सब में से प्राइम नंबर कौन है, 41 जो है वो तो प्राइम नंबर में आ गया, तो इसका मतलब ये तो आंसर एक डेफिनेटली नहीं होगा। चलो अब 15 को देखते हैं। अच्छा, जो 15 है वो हम लोग का कॉम्पोजाइट नंबर है, ठीक है, और 18 भी उसी कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि 18 भी जो है वो हम लोग का कॉम्पोजाइट ही नंबर है। तो बच गया कौन, ऑप्शन फोर यानी कि वन जो है ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजाइट है, तो वन जो है करेक्ट आंसर होगा। कॉम्पोजिट नंबर एक बार हम बता देते हैं, वो सारा नंबर जो इस नंबर को जो है काट दे, दो तीन नंबर, जैसे कि वन से पूरी तरह ये डिविजिबल होगा, थ्री से भी डिविजिबल हो जाएगा, फाइव से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। उसी तरह 18 का भी देखते हैं हम लोग, तो वन से हो गया, टू से हो गया, थ्री से भी जाएगा, ये बस इतना ही इनफ है। दो तीन टू नंबर से कट जाए ना तो ये हो गया कॉम्पोजाइट नंबर, उसी तरह इसका भी, तो ये दोनों तो डिविजिबल है अपने अपने फैक्टर से, ये अभी ये हो गया प्राइम नंबर, तो बचा कौन, सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर यानी कि वन, ये ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजाइट, क्योंकि ये सब तो कॉम्पोजाइट की कैटेगरी में है, ये प्राइम की कैटेगरी में, तो सिर्फ ऑप्शन वन इज आवर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड इज इट, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स, ट्रू एक्सेप्ट टू, फॉल्स एक्सेप्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, तो सबसे पहले तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, नहीं ये ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स होगा, ठीक है। अच्छा, और एक बार देख लो लिस्ट यहाँ पे प्राइम नंबर्स का, कुछ ऐसा आता है ना, 5, 7, 11, 13, और इसके बाद जितना चलते जाता है सारा जो है ऑड ही आता है, सिवाय टू के, ठीक है, एक्सेप्ट टू के। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर टू, बी एंड सी, यानी कि फॉल्स तो है लेकिन टू के सिवा सारा जो नंबर होता है सबके सब जो ऑड होता है, प्राइम नंबर में सब ऑड होता है, जितना भी हम लोग चलते जाए। 13 के बाद कितना आएगा, 17 आएगा, वो भी ऑड है हम लोग का, उसके बाद 19 आएगा, वो भी हम लोग का ऑड है, तो ऐसे चलते चलते हम लोग का ऑड नंबर आता है सिवाय यानी कि एक्सेप्ट टू के, ठीक है। तो हम लोग करेक्ट आंसर होगा टू। नंबर 9 है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन इतना बड़ा नंबर, यानी कि 15, 0, 5, 9, 2, इतना सारा नंबर है, 6 डिजिट का एक नंबर है, उसमें हम लोग को 9 का जो है प्लेस वैल्यू बताना है। कैसे बताएंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू मतलब होता है पोजीशन ऑफ 9, ठीक है। तो इस नंबर में पोजीशन ऑफ 9 क्या है, 9 है, ठीक है, और एक 0, यानी कि 10th पोजीशन पे, 9 जो है 10th पोजीशन में, इसलिए हम लोग एक जो है 0 यहाँ पे बैठाएंगे। तो हम लोग कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे जो 90 हो गया है, जो सेकंड पोजीशन पे है 9, उसके बाद जो भी डिजिट आएगा उसका हम लोग एक तो 0 बैठा देते हैं, ठीक है। तो अगर उसी तरह हम लोग मान लो इस 5 का अगर निकालना होता कि पोजीशन क्या है इसका, बताओ प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 पहले यहाँ पे लिखते और उसके बाद 5 यहाँ पे लिखा था और जितना सारा डिजिट है उतना सारा 0 यहाँ पे आ जाता, ठीक है। लेकिन हम लोग से ये तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है कि 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, इसलिए हम लोग ये लिख दे। वैसे अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट जानकारी लेनी है प्लेस वैल्यू के बारे में, तो हम इसके बारे में वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आई बटन में हम इसका लिंक सेंड कर देंगे, वो आप लोग देख लेना। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विच नंबर इज रैशनल बट इंटीजर। वैसे हम रैशनल और इंटीजर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक हम आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अभी के लिए थोड़ा सा समराइज करके बता देते हैं, रैशनल नंबर वो सारा नंबर होता है जो फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, ठीक है, और इंटीजर मतलब वो सारा नंबर होता है 0, पॉजिटिव प्लस जो नेगेटिव वाला होता है वो भी हम लोग का इंटीजर के कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इंटीजर में कौन कौन आ जाएगा, इन सब में से, इस सारा लिस्ट में से आ जाएगा 0, 4 एंड 3 आ जाएगा, और इरेशनल में आ जाता है हम लोग का पाई, ठीक है। तो इन सब में से कौन से रिमेनिंग रहेगा, 2.5। तो 2.5 भी ऐसा नंबर है जो रैशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है, ठीक है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इसी तरह की कॉम्पिटेटिव रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए किसी दूसरे टॉपिक पे, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं।